अब लूजिंग मोर देन टू ऑस्ट्रेलिया ने 396 रन Okay, fine. Good morning, everyone. I hope you can see the screen and you can hear me as well, right? Yeah, so just a minute. Okay. Fine. So was there any homework given to you? Kuch homework tha? Kya tha homework? एक्सरसाइज 117 टू 35 ओके ठीक है कोई डाउट है इसमें एक्सरसाइज 117 टू 25 था ओके फाइन 17 टू 25 था ठीक है कोई डाउट है इसमें एक्सरसाइज 117 टू 25 इसमें कोई डाउट है ओके क्वेश्चन नंबर 20 फाइन फाइन सो क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करना है राइट क्वेश्चन नंबर 20 में डाउट है पहला ठीक है सो लेट अस गो थ्रू द क्वेश्चन सी 20 में कहा जा रहा है वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ वन मोल ऑफ आइडियल गैस फ्रॉम 10 एटीएम टू 1 एटीएम एट 300 केल्विन रेंज देखो वर्क डन क्या होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन है राइट वर्क डन है फ्रॉम 10 एटीएम से 1 एटीएम तक ठीक है तो देखो यहाँ पे ये कुछ भी नहीं लिखा है कि रिवर्सिबल है इररिवर्सिबल राइट यहाँ पर तो कुछ भी नहीं लिखा है ना कि रिवर्सिबल है या इररिवर्सिबल है ना एवरीबॉडी कुछ तो ध्यान दो ये तो लिखा नहीं है ना तो देख लेते हैं पहले तो हम इररिवर्सिबल ही मानेंगे क्योंकि थ्योरेटिकली वही होता है ठीक है तो हम लिख सकते हैं माइनस एन आर टी लॉग वी टू बाई वी वन होता है तो लॉग पी वन बाई पी टू हो It will become 2.303 into n into r 25 by 3 and temperature is obviously 300 Kelvin. और log P1 by P2 तुम्हें पता है log 10 का base 10 हो जाता है 1. तो ये आ जाएगा 100. तो ये आ जाएगा 20 230.3 into 25, right? Ready? यही ना? कुछ तो बोलो. तो ये निकालो कितना आता है? 25 into 230 कितना आता है चेकअप एवरीडी कितना आया फाइव सेवन फाइव के आसपास 5757 तो जो क्लोजेस्ट आंसर है वो 5744.1 जूल है R को 1 by 12 क्यों नहीं लिया आयुष R को 1 by 12 तब लेते हैं ना जब एटीएम लीटर में निकालना होता है अरे तुम लोग ये सब भूल जाते हो कैसे चलेगा ये तो कुछ बेसिक चीजें हैं ना R को 1 by 12 कब लेते हैं लीटर एटीएम में निकालते हैं तो लेते हैं राइट ऑब्वियसली नेक्स्ट हो गया सारा बाकी 25 तक और कोई डाउट नहीं है ना ठीक है तो एक बार बताना व्हाट वाज द लास्ट टॉपिक दैट वी कवर्ड एवरीबॉडी व्हाट वाज द लास्ट टॉपिक दैट वी कवर्ड एवरीबॉडी प्लीज टेल मी व्हाट वाज द लास्ट टॉपिक वी कवर्ड क्वेश्चंस ऑन मैंने एडियाबेटिक प्रोसेस स्टार्ट किया था उसका ग्राफ आप बनाया था राइट जहां तक मुझे याद आ रहा है द लास्ट टॉपिक वी कवर्ड वाज एडियाबेटिक प्रोसेस एंड देयर ग्राफ्स एंड देन वी टुक अप हां वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेसेस राइट ओके एक बार देख ही लेता हूं लास्ट क्या खत्म किया था हां वर्क डन स्टार्ट किया था आइसोथर्मल के लिए आइसोथर्मल रिवर्सिबल इररिवर्सिबल आई थिंक खत्म हो गया था एडियाबेटिक पे आना था राइट
ठीक है ओके ठीक है आ जाते हैं एडियाबेटिक के ऊपर. सी लेट अस नाउ टॉक अबाउट एडियाबेटिक प्रोसेस. देखो अपन ये बात तो जानते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है बताओ. एडियाबेटिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच हीट एक्सचेंज इज जीरो राइट. एडियाबेटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं होता राइट. तो डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू में हम डी क्यू जीरो पुट कर देंगे तो डी यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपने को मिलेगा जो कि लिख सकते हैं ना एनसीवी डी टी यानी एनसीवी टी टू माइनस टी वन और सीवी होता है गामा चलो सॉरी आर अपॉन गामा माइनस वन. तो ये दो फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन का. कोई दिक्कत है एवरीडे कोई दिक्कत है यहाँ हो गया. तो अब ये तो वर्क डन रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों केस के लिए वैलिड होगा ठीक है. और भी कुछ तरीके हैं. अब nr t2 को देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं nr t2 माइनस nr t1 अपॉन गामा माइनस वन. तो ये आएगा p2 v2 माइनस p1 v1 अपॉन गामा माइनस वन. फाइन तो ये लिख लीजिए ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको. Done everyone? Okay, done. Next. देखो आइसो एडियाबैटिक में पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है राइट. तो इससे भी अपन निकाल ही सकते हैं. इसे कैसे निकालेंगे देखो वर्क डन क्या होता है. इट इज माइनस पी एक्सटर्नल डीवी विद इन लिमिट्स टी वन टू सॉरी वी वन टू वी टू. अब हम पी एक्सटर्नल को इंटरनल के बराबर लिख सकते हैं. ऑब्वियसली हम रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं राइट. वी आर टॉकिंग अबाउट रिवर्सिबल केस रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस. तो V1 से V2 तक हम इंटीग्रेट करेंगे तो इससे देखो क्या अलग रिजल्ट आएगा कि वही आएगा जो पहले आया था. एवरीडी इस बार अलग रिजल्ट आएगा या वही आएगा जो पहले आया था. सेम आना चाहिए राइट. ठीक है तो हम लोग जानते हैं कि PV की पावर गामा कांस्टेंट होता है. तो कैन वी राइट P इज इक्वल टू KV की पावर माइनस गामा. लिख सकते हैं ना तो इसको लिख लेते हैं KV की पावर माइनस गामा इंटू DV. अभी K बाहर निकल गया. ये क्या है b के पावर माइनस गामा प्लस वन अपॉन माइनस गामा प्लस वन वी वन टू वी टू. ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है. तो ऐसा लिख लेते हैं k की पावर वन माइनस गामा माइनस मल्टीप्लाई कर दिया बाहर. ठीक है k की पावर वन माइनस गामा. अब आएगा क्या ये v2 की पावर माइनस गामा प्लस वन माइनस वी वन की पावर माइनस गामा प्लस वन. कोई दिक्कत है एवरीडी. अच्छा एक चीज है. नहीं नहीं ठीक है. यहां पे माइनस वन मल्टीप्लाई होगा क्या एक बार और. एक्सप्रेशन में पूछ रहा हूं एक्सप्रेशन में. एक्सप्रेशन में ओके राइट इट डाउन. यहां पे बोल रहा हूं ना यहां नीचे नहीं किया ना हमने. ये गामा माइनस वन होगा ये नीचे वाले टर्म में बोल रहा हूं नीचे वाले टर्म में.
ये गामा माइनस वन होगा ना, ठीक है ओके। तो अब देखो क्या आया, के वी टू की पावर माइनस गामा प्लस वन माइनस के वी वन की पावर माइनस गामा प्लस वन अपॉन गामा माइनस वन, ठीक है। वेट करें, डन ओके। अब यहां तक तो लिख लिया था ना सबने, तो अब देखो k क्या है, k है p2 v2 की पावर गामा इंटू वी टू की पावर माइनस गामा प्लस वन माइनस k, ऐसे भी लिख सकते हैं p1 v1 की पावर गामा इंटू वी वन की पावर माइनस गामा इंटू वी अपॉन गामा माइनस वन। तो अब ये क्या आया पता है एवरेड, ये क्या आ जाएगा p2 v2 माइनस p1 v1 अपॉन गामा माइनस वन, ये क्लियर है ना एवरेडी, P2 V2 minus P1 V1 upon gamma minus 1 और P2 V2 को NR ऐसा लिख सकते हैं ना, तो फिर तो वही आ गया ना एवरेडी, अगेन वी गॉट द सेम एक्सप्रेशन राइट। ओके रिटर्न, फाइन आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, इन एन एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस की बात यहां पे चल रही है। देखो एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में आपको दे रखा है T1 100 केल्विन, ठीक है, V1 1 लीटर, V2 8 लीटर और गामा 3/2। क्वेश्चन है फॉर 1 मोल ऑफ गैस कैलकुलेट वर्क डन इन एक्सपेंशन, कैलकुलेट द वर्क डन इन द above reversible expansion, question clear हो गया आयुष, scroll करूं, ठीक है right on। Done? Okay. तो आ जाते हैं क्वेश्चन पे, किसी और का आंसर आया?
एवरीडे ओके और टाइम चाहिए R. ओके शुड आई सॉल्व फॉर डू वन मोर टाइम देखो T1 V1 की पावर गामा माइनस वन शुड बी T2 V2 की पावर गामा माइनस वन यही ना अब T1 100 है V1 तो 1 ही है T2 हमें निकालना है और 8 की पावर 3/2 है यानी 3/2 माइनस 1 यहाँ 1/2 होगा ये 1/2 होगा तो T2 आएगा क्या आपका 100 अपॉन 2√2 यही ना यानी 50 अपॉन रूट टू 25√2 केल्विन ठीक है एवरेडी कोई दिक्कत है 25√2 केल्विन आया ना तो अब वर्क डन क्या है वर्क डन आएगा एन सीवी एन तुम्हारा 1 है सीवी क्या है आर अपॉन गामा माइनस 1 यानी 1/2 T2 यानी 25√2 माइनस T1 100 तो ये आपका आ जाएगा कितना 2R 25 इंटू रूट टू होता है 1.414 माइनस 100 ठीक है ये लिख सकते हो माइनस 2R 100 माइनस 25 इंटू 1.414 तो ये कितना आ रहा है चेक करो एवरेडी कितना आ रहा है ये R 25/3 ले लेना देखो कितना आता है कितना आया V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 नहीं कर सकते लेकिन उसकी जरूरत क्या है हमें बेसिकली कर सकते हो T2 निकालना है ना बेसिकली तभी तो हम वर्क डन निकाल सकते हैं ठीक है सलोनी इज दैट क्लियर V1/T1 V2/T2 नहीं कर सकते हो सलोनी पूछ रही है कि सर V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 कर सकते हैं क्या एवरीडी बताइए कर सकते हैं एवरीडी क्यों नहीं कर सकते ये कब करते हैं जब प्रेशर कांस्टेंट हो आइसोबारिक प्रोसेस में होगा ना ये इज दैट क्लियर सलोनी दिस इज पॉसिबल व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट तो आइसोबारिक में कर सकते हैं यहां पर तो एडियाबेटिक है ना तो ये देखो कितना आ रहा है ये फाइनलिस्ट कितना सॉल्व करके आया बताओ किसी ने सॉल्व नहीं किया नहीं कोई नहीं बता रहा यार ये तो चलो ठीक है मैं ही कर लेता हूँ फिर हंड्रेड एंड सेवेंटी सेवन के आसपास आएगा मैं कर लेता हूँ कैलकुलेशन ये देखो आ रहा है 64.65 और ये आ रहा है माइनस कितना 16.67 इनटू 64 177 के आसपास आ रहा है ठीक है एवरीबॉडी डन ये किसी को डाउट है इसमें ओके तो अब आगे बढ़ जाते हैं देखो एडियाबैटिक ये हमने कौन से एडियाबैटिक की बात करी बताओ एडियाबैटिक रिवर्सिबल या एडियाबैटिक इररिवर्सिबल एवरीडी ये एडियाबैटिक रिवर्सिबल था या एडियाबैटिक इररिवर्सिबल ठीक है ये था एडियाबैटिक रिवर्सिबल
एडियाबैटिक इररिवर्सिबल ना एक अलग कहानी बयां करता है, जिसकी डिटेल्स हम लोग लेट में पढ़ेंगे, बट पढ़ेंगे इसी क्लास में पढ़ेंगे, डोंट वरी। बट एक इंट्रोडक्शन लेते हैं। देखो एडियाबैटिक रिवर्सिबल, एडियाबैटिक इररिवर्सिबल प्रोसेस, एडियाबैटिक इररिवर्सिबल प्रोसेस जो है ना, ये कुछ अनकन्वेंशनल रिजल्ट्स लेकर के आता है। स्क्रोल अप करो, लो कर दिया स्क्रोल अप। डन, तो आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, देखो एडियाबैटिक इररिवर्सिबल प्रोसेस में कहानी क्या है, जरा समझने की कोशिश करो। इसको हम स्टार्ट करते हैं आइसोथर्मल रिवर्सिबल से। ये प्रॉब्लम आइसोथर्मल में नहीं आती, आइसोथर्मल रिवर्सिबल और आइसोथर्मल इररिवर्सिबल, इसमें देखते हैं क्या है। आइसोथर्मल इररिवर्सिबल देख रहे थे और एक आइसोथर्मल रिवर्सिबल। देखो आइसोथर्मल रिवर्सिबल में क्या है, डीयू तो जीरो है दोनों केस में, क्योंकि इनिशियल फाइनल स्टेट सेम है, तो डीयू रिवर्सिबल भी जीरो होगा और डीयू इररिवर्सिबल भी जीरो होगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? हम एक पॉइंट ए से बी तक जाते हैं, ठीक है, रिवर्सिबल पाथवे से जाएं या इररिवर्सिबल पाथवे से जाएं, स्टेट फंक्शन है ना, इनिशियल फाइनल सेम है, तो चेंज तो जीरो ही होगा। आर वी गाइस क्लियर ऑन दिस? चाहे हम रिवर्सिबल से जाएं या हम इरिवर्सिबल से जाएं, ये रिवर्सिबल पाथवे होगा, जस्ट अ मिनट, और ये वाला पाथवे रिवर्सिबल होगा, और यदि हम इरिवर्सिबल से एक्सपैंड करें तो नॉर्मली हम पी एक्सटर्नल देखते हैं तो ये आ जाएगा, राइट, ये आएगा ना इरिवर्सिबल, तो ये आएगा इरिवर्सिबल वाला और येल्लो वाला आएगा रिवर्सिबल का। ये बात तो सबको क्लियर होगा, एक्सपेंशन की बात अपन कर रहे हैं। Guys, clear on this? Okay, fine. अब जरा देखो क्या है, du स्टेट फंक्शन है, तो अब क्या यहाँ होता है रिवर्सिबल में कि q plus w जो है वो जीरो है, तो यहाँ q रिवर्सिबल और q w रिवर्सिबल, रिवर्सिबल भी जीरो है, और यहाँ पे q इरिवर्सिबल प्लस w इरिवर्सिबल दोनों जीरो है। तो अब देखो क्या है, यहाँ पे w रिवर्सिबल इज नॉट इक्वल टू w इरिवर्सिबल, ठीक है, एंड q रिवर्सिबल इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू q इररिवर्सिबल। ये समझ में आया, जो कि सही भी है, बिकॉज दे आर पाथ फंक्शन एंड दे शुड नॉट बी सेम। तो स्टेट फंक्शन सेम है और पाथ फंक्शन सेम नहीं है, नो कॉन्ट्राडिक्शन जनरेटेड। यहाँ पे कोई कॉन्ट्राडिक्शन जनरेट हुआ क्या? ऑलरेडी यहाँ पे कोई कॉन्ट्राडिक्शन जनरेट हुआ? सब कुछ अच्छा चल रहा है मक्खन की जैसा, ठीक है, तो ये एक बार लिखो जल्दी सर। ये अनइक्वल कैसे बताया श्रेयस? क्योंकि देखो ये दोनों इक्वल है ना, देख लो दोनों जीरो है, तो इसका मतलब बोथ ऑफ देम आर इक्वल। वर्क डन अलग है एरिया अंडर द कर्व के कारण, तो जब ये अलग है तो ऑब्वियसली दूसरा वाला पैरामीटर तो अलग होगा ही ना। Done everyone? Okay.
Now done everyone. ओके फाइन. तो अब देखो यहां पे इसका मतलब जैसे हम लिखते थे इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, हम जैसे लिखते थे ना इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स कैन बी सेम फॉर रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस. रिवर्सिबल के लिए भी और इररिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी सेम हो सकता है. तो जब हम लिखते थे ना ये डेफिनेशन कि P1V1 is equal to P2V2, तो ये हम this is valid for reversible, ये relation जो है it is valid for reversible as well as irreversible process, reversible as well as irreversible isothermal process. ये तो हर जगह लगेगा ना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना. एवरीडी यहां तक तो क्लियर है ना. ठीक है तो इसको लिखिए पहले. तो इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है? नहीं नहीं इनिशियल फाइनल पॉइंट रिवर्सिबल का इनिशियल, इरिवर्सिबल का इनिशियल, रिवर्सिबल का फाइनल और इरिवर्सिबल का फाइनल, यदि दोनों सेम है तो लगाएंगे P1 V1 P2 V2. ठीक है रिटर्न एवरीवन. एवरीबडी अरे यार कुछ तो बोलो. ये कैसे बताया, क्या पूछना चाह रहे हो श्रेयस, एक बार अनम्यूट करके बोलो, तुम्हारी आवाज सुनना चाहते हैं सब. ठीक है जिनको डाउट है पूछिए, क्या डाउट है. हेलो अरे बोलो यार टाइम वेस्ट मत करो. हेलो अनम्यूट कर सकते हो तुम, परमिशन तो दिया है मैंने. अरे बोल दो यार ये क्या बोलना चाह रहे हो, एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा तुम पूछना क्या चाह रहे हो. थोड़ा जल्दी बोल दोगे, बोलोगे तो क्या होगा, वन टू वन कम्युनिकेशन होगा, ज्यादा फास्ट होगा काम. अरे आइसोथर्मल है ना तो P1 V1 P2 V2 तो होगा ही ना, आइसोथर्मल की बात कर रहे हैं हम, तो आइसोथर्मल को एक रेफरेंस चूज किया है ना, फिर एडियाबेटिक में जाएंगे देखेंगे कि क्या दिक्कत है एडियाबेटिक में आ रही है जो कि आइसोथर्मल में नहीं आ रही थी. और किसी को डाउट है तो पूछो क्या दिक्कत है, क्या कुछ भी समझ में नहीं आया, या जो नहीं समझ में आया वो क्या एग्जैक्टली है. और किसी को डाउट है, सिद्धेश सिद्धेश आइसोथर्मल प्रोसेस में तो P1 V1 P2 V2 होता ही है ना, तो वो लगा दिया अभी, क्योंकि इनिशियल मतलब जो इनिशियल पॉइंट रिवर्सिबल का है वही इनिशियल पॉइंट इरिवर्सिबल का भी है, जो इनिशियल पॉइंट फाइनल है सॉरी जो फाइनल पॉइंट रिवर्सिबल का है वही फाइनल पॉइंट इरिवर्सिबल का भी है. तो हम P1 V1 P2 V2 क्यों नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं ना. वो पाथ फंक्शन कैसे डिफाइन किया, पाथ फंक्शन तो होता ही है ना वर्क और हीट, वो हमने अभी थोड़ी डिफाइन कर दिया. वो पाथ फंक्शन होता है और इस प्रोसेस के अंदर पाथ फंक्शन की तरह बिहेव भी कर रहा है. ठीक है वो पाथ फंक्शन होता है और वहां पाथ फंक्शन की तरह बिहेव भी कर रहा है, तो इसलिए लिख दिया. फाइन हाँ
हमेशा वैलिड होता ही है, तो वही चीज तो जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो डेफिनेशन यहाँ पे वैलिड है और उसमें कोई कंट्रडिक्शन जनरेट नहीं हो रहा। ठीक है सलोनी, तो यही तो लिखा है वैलिड है और कोई कंट्रडिक्शन जनरेट नहीं हो रहा है। ऐसा कहाँ बोला कि नहीं लिखा है कहीं भी? हम तो ये बोल रहे हैं ना कि वो कोई भी डेफिनेशन को कंट्रडिक्ट यहाँ पे नहीं कर रहा है। इज दैट क्लियर और नॉट? हम ऐसा नहीं बोल रहे कि नहीं, मतलब ऑब्वियसली सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ कोई कंट्रडिक्शन जनरेट नहीं हो रहा। अब हम बात कर लेते हैं एडियाबैटिक रिवर्सिबल की। ठीक है, एडियाबैटिक रिवर्सिबल और एडियाबैटिक इरिवर्सिबल की, यहाँ कंट्रडिक्शन जनरेट होगा क्या? एवरीबडी, यहाँ पे कंट्रडिक्शन जनरेट होगा या नहीं होगा? सोचो, यहाँ पे जनरेट होगा। इतना खास अलग तरीके से बात कर रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ दिक्कत होगा इसके अंदर, तभी तो एक स्पेशल केस की तरह ट्रीट कर रहे हैं इसको। देखो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी। देखो क्या दिक्कत होती है, I'll tell you. देखो एडियाबैटिक प्रोसेस में हम लोग जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से डीक्यू तो जीरो होता है ना? तो डी यू इज डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। हीट एक्सचेंज नहीं होता ना एडियाबैटिक में, तो इसका डेफिनेशन ही है। तो अब देखो डी यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू होगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, समझ में आ रहा है? डी यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, और ये है एक स्टेट फंक्शन और ये है एक पाथ फंक्शन। कहानी में आ गया बदलाव। यहाँ पे क्या होता है, एक स्टेट फंक्शन एक पाथ फंक्शन के बराबर है। देखो ये है स्टेट फंक्शन, दोनों केस में वही होगा ऑब्वियसली। तो अब तो दिक्कत आनी ही है ना, खुद समझो, अब तो दिक्कत आनी ही है। अब दिक्कत क्या आनी है, लेट अस सी दिस, जरा इस चीज को समझते हैं। जैसे पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है, अपन ये रिवर्सिबल पाथवे से जाएं, या फिर जैसे ये रिवर्सिबल लिख दिया मैंने, ठीक है, या हम लोग चले जाते हैं किस पाथवे से, हम चले जाते हैं इरिवर्सिबल पाथवे से, कुछ ऐसा। ठीक है, अब जरा सोचो इनके वर्क डन तो सेम नहीं होंगे ना, एवरीबॉडी इनके वर्क डन तो सेम नहीं होंगे ना। तो अब देखो वर्क डन जब सेम नहीं है तो अपन ये समझ सकते हैं कि W रिवर्सिबल इज नॉट इक्वल टू W इरिवर्सिबल। वर्क डन इक्वल हो ही नहीं सकता, लेकिन दोनों केस में डेल्टा U जो है वो भी इक्वल है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर होगा। तो जब ये दोनों बराबर नहीं है तो ये दोनों कहां से बराबर हो सकते हैं? ये समझ में आ रहा है सबको, नहीं आ रहा? जब वर्क डन इक्वल नहीं है, देखो डी यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू ना, तो हम ऐसा लिख रहे हैं ना, डी यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू डी डब्ल्यू इरिवर्सिबल, और यहां पे लिखेंगे डी सॉरी रिवर्सिबल, इधर तो रिवर्सिबल की बात है, ठीक है, और यहाँ डी यू डी डब्ल्यू इरिवर्सिबल इज इक्वल टू डी यू इरिवर्सिबल। तो जब ये डी डब्ल्यू सेम नहीं है और ये इसके इक्वल है, तो डेल्टा यू कहां से सेम होगा? ठीक है, अब डेल्टा यू सेम नहीं कब होगा? अब डेल्टा यू सेम नहीं है, ये बात समझ में आ रहा है सबको? एवरीबॉडी, डेल्टा यू इज नॉट सेम, राइट? आई होप एवरीबॉडी इज कन्विंस्ड ऑन दिस। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी सेम, तो ये लिख लो, आगे की बात करने वाले हैं। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। यू कैन आस्क इफ यू हैव डाउट इन दिस पार्ट। डन एवरीवन, ठीक है, राइट इट डाउन। Thank you.
अब तो हो गया होगा रिटर्न नाउ. ओके ठीक है लिखो राइट इट डाउन. ग्रीन में क्या है डब्लू में? डब्लू में कौन सा डब्लू? डब्लू रिवर्सिबल इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू डब्लू इरिवर्सिबल. ग्रीन नहीं दिखता है क्या? ऊपर वाला कौन सा? ये डी यू रिवर्सिबल इज डी डब्ल्यू रिवर्सिबल. दोनों रिवर्सिबल है ना, यहाँ रिवर्सिबल की बात हो रही है, यहाँ इरिवर्सिबल की बात हो रही है. ग्राफ के बाजू में DW irreversible is equal to DU irreversible. This is W reversible is not equal to W irreversible. Delta U reversible is not equal to delta U irreversible. क्लियर एवरीवन? आगे बढ़े हम. ओके फाइन. अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कुछ चीजें. सबसे पहले ये हमने सीख लिया है, ये तो अपन समझ चुके हैं ये बात कि अब देखो हमने एक इनिशियल पॉइंट ए से स्टार्ट किया है, ठीक है, एंड वी हैव मूव्ड टू सम फाइनल पॉइंट बी, लेट्स से इट इज एक्सपेंशन. तो अब हम ये क्या समझ पा रहे हैं कि डेल्टा यू ए ये जो है रिवर्सिबल इक्वल नहीं है डेल्टा यू इरिवर्सिबल के. एवरीवन ये कब पॉसिबल है बताओ? स्टेट फंक्शंस आर नॉट सेम. दिस इज पॉसिबल. सी लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. दिस इज पॉसिबल व्हेन द पॉइंट्स, व्हेन द पॉइंट्स आर डिफरेंट. एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? ये चमक रहा है सबको? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है मैंने अभी. एवरीडी. अरे स्टेट फंक्शन तो स्टेट पे डिपेंड करता है ना. मान लो ये y1 कोऑर्डिनेट है और ये कोई y2 कोऑर्डिनेट है. तो अब मैं बोल रहा हूँ कि y1 माइनस y2 सेम नहीं है. ये तो सभी पॉसिबल है ना जब y1 y2 दोनों में से कोई एक है, दोनों अलग अलग हो. कोई एक पाथ में y1 से y2 गए तो अब ये तो तभी पॉसिबल है जब ये पॉइंट्स डिफरेंट होंगे. Is that clear? हम एक इनिशियल पॉइंट से चलते हैं और फाइनल पॉइंट पे पहुंचते हैं, ठीक है. अब ये बोला ये जा रहा है कि ये अलग अलग है इसका, और ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करता है, ठीक है. कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए. अब ये जब इक्वल नहीं है इसका मतलब पॉइंट्स ही अलग है, ठीक है. यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है ना फाइनल तो, की पॉइंट्स अलग है. तो अब पॉइंट्स अलग है इस बात पे अपन कन्विंस्ड है. मैं बार बार पूछ रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है. पॉइंट्स अलग है. आर वी कन्विंस्ड ऑन दिस? ओके फाइन. चलो ठीक है, वी आर कन्विंस्ड ऑन दिस देन, ठीक है. तो अब एक बात बताओ, इनिशियल पॉइंट सेम रख सकते हैं क्या? इनिशियल पॉइंट कैन बी सेम. Everybody, initial point can be same because हम तो start करते हैं ना, जैसे हम expansion start करते हैं theoretically, तो initial point तो same हो ही सकता है. तो क्या अलग होना चाहिए बताओ? Everybody, तो इसका मतलब final point must be different. Final point different होना चाहिए, ये compulsory है. यानी adiabatic का final point अलग होता है. Adiabatic irreversible का जो final point होगा और adiabatic जो reversible का final point होगा वो कभी भी सेम नहीं हो सकता. इज दैट क्लियर? तो जैसे मान लो रिवर्सिबल पे अपन पी ए वी ए से स्टार्ट करते हैं
और रिवर्सिबल पे पीवी वीवी पे खत्म करते हैं, तो इरिवर्सिबल का कुछ पीवी डैश लिखना पड़ता है और वीवी डैश लिखना पड़ता है, ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स की तरह ट्रीट करना पड़ता है। ये समझ में आया सबको या नहीं आया? यही चीज है जो इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत है? ये लिख लिया सबने? हाँ रिटन, ओके देन राइट डाउन। Done now. I will tell you, don't worry. पहले लिख लो, मैं समझाऊंगा कि कौन सा चीज क्या है। Written everyone? ठीक है, अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या था। सी, जैसे हमने ए से स्टार्ट किया बी पे, तो पी ए वी ए टी ए ये है इनिशियल, दीज आर इनिशियल स्टेट्स ऑफ रिवर्सिबल एडियाबैटिक, राइट? ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक के हैं और इररिवर्सिबल एडियाबैटिक के भी हैं। ये समझ में आ रहा है? क्योंकि सेम पॉइंट इनिशियल तो हम सेम रख ही सकते हैं ना। इनिशियली क्या है, इनिशियली हम सेम रख सकते हैं। देखो जैसे बॉम्बे से गोवा स्टार्ट करते थे, तो रिवर्सिबल में कभी गोवा पहुंचते ही नहीं थे, राइट? बट इरिवर्सिबल में तो पहुंचते थे ना, स्टार्ट तो सेम जगह से कर ही सकते थे। और पीबी वीबी टीबी यदि है फाइनल स्टेट ऑफ irreversible adiabatic process, और PV dash, VV dash, TV dash ये हैं final states of sorry this is reversible, यहां पर reversible लिखेंगे, final states of irreversible adiabatic process, तो अपन ये जानते हैं कि ये दोनों पॉइंट्स तो अलग अलग है ना। पीबी पीबी डैश सेम नहीं हो सकता, राइट? पीबी कैन नॉट बी इक्वल टू पीबी डैश, या फिर ये तीनों कोऑर्डिनेट सेम नहीं हो सकते, ये तीनों सेम नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है? एवरीडे इज दैट क्लियर? किसको भी लिख लीजिए। The last point is that the final point, these two states cannot be same. जो last point है वो ये है कि ये दोनों जो states हैं वो same नहीं हो सकते, right?
रिटर्न लास्ट स्लाइड पे जाऊं इस पे ठीक है आ गया ओके डन फाइन। तो अब देखो क्या है जब हम ये जानते हैं कि फाइनल पॉइंट सेम नहीं हो सकता है तो कैन वी राइट पी वन वी वन की पावर गामा ये तो हम लिख सकते हैं ना एडियाबैटिक रिवर्सिबल के लिए एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम लिखते हैं ना ये कल्पेश कह रहा है लास्ट स्लाइड पे जाने के लिए ठीक है कल्पेश आ गया डन नाउ ओके तो देखो क्या है ये तो हम लिखते हैं एडियाबैटिक रिवर्सिबल के लिए तो कैन वी राइट दिस फॉर एडियाबैटिक इरिवर्सिबल एज वेल क्या हम ऐसा लिख सकते हैं पी टू डैश वी टू डैश की पावर गामा यदि हम ऐसा लिख देंगे ना तो ये दोनों पॉइंट सेम हो जाएंगे जो कि कंट्राडिक्शन है समझ में आ रहा है यदि हम पी वन वी वन की पावर गामा को लिख देते हैं पी टू वी टू डैश की पावर गामा तो ये दोनों पॉइंट सेम हो जाएंगे जो कि हो ही नहीं सकता इज दैट क्लियर तो इसीलिए यहां पे एडियाबैटिक इरिवर्सिबल के लिए डेफिनेशन नहीं वैलिड होती है इसमें किसी को डाउट है तो पूछो Everybody, is that clear? इसमें किसी को डाउट है तो ये वाली जो रिलेशन है ये वैलिड नहीं है इरिवर्सिबल के लिए सो द रिलेशन पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होल्ड्स गुड only for reversible process or you can say reversible adiabatic process ठीक है और यदि हम करने की कोशिश भी करें ना सेम तो वो प्रोसेस एडियाबैटिक नहीं रह जाएगा ये समझ में आ रहा है ठीक है एवरीडी इररिवर्सिबल के लिए वैलिड नहीं यदि हम किसी तरह से उस पॉइंट पे आना चाहें तो वो प्रोसेस एडियाबैटिक नहीं हो सकता यदि हम इररिवर्सिबल पाथवे से किसी तरह से आना चाहें तो वो प्रोसेस एडियाबैटिक नहीं हो सकता आइसोथर्मल हो जाएगा क्योंकि डेफिनेशंस कंट्राडिक्ट कर रहे हैं ना कोई दिक्कत है ओके तो अब हम करेंगे क्या सी तो हम फाइनल स्टेट निकालेंगे कैसे एवरीडी हम फाइनल स्टेट निकालेंगे कैसे ठीक है ये देखते हैं कि हम फाइनल स्टेट निकालेंगे कैसे कुछ तो तरीका होगा ना फाइनल स्टेट निकालने के लिए ऑब्वियसली एक नया इक्वेशन टाइप का हमें कुछ मिलेगा इज दैट क्लियर विल गेट समथिंग न्यू अ काइंड ऑफ रिलेशन जो कि पहले से अलग होगा कुछ नया बनेगा यहाँ राइट आगे बढ़ सकते हैं ओके तो अब देखो हम करेंगे क्या
हम तो ये जानते हैं ना कि डी यू इरिवर्सिबल इज इक्वल टू डी डब्ल्यू इरिवर्सिबल, ये डेफिनेशन तो रहेगी ही वैलिड, ठीक है, डी यू इरिवर्सिबल इज इक्वल टू डी डब्ल्यू इरिवर्सिबल। तो अब जब ये रिलेशन अपनी वैलिड है तो हम लिख सकते हैं एन सी वी टी टू डैश माइनस टी वन, ठीक है, जो कि डी यू होगा, ये क्या आएगा माइनस पी एक्सटर्नल वी टू डैश माइनस वी वन, ये तो वैलिड होगा ना एवरीडी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, NCV T2 dash minus T1 और V2 dash minus V1। और हम लोग ये जानते हैं कि P external, external pressure तो हमेशा final pressure के बराबर होता है, is that clear? ये तो हम लोग जानते ही हैं, external pressure is always equal to the final pressure, right? तो अब ऐसा करते हैं, यहाँ पे इसको ऐसा लिख लेते हैं कन्वर्ट करके। देखो ये यूज तब होगा जब तुम्हारे पास ये सारी चीजें दी हुई है, एक्सटर्नल प्रेशर दिया है, V2, V2, मतलब ये तुम तब यूज करो जब तुम्हारे पास क्या क्या डेटा गिवन हो, जब तुम्हारे पास गिवन हो T2 dash, T1 और V2 dash, इनमें से कोई तीन चीज दिया हो तो चौथा तुम निकाल सकते हो। बट इसको हम लोग और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, लेट अस सी। देखो ऑब्वियसली V2 dash को हम क्या लिख सकते हैं, NR T2 dash upon P2 dash minus NR T1 by P1। अब N यहां से कैंसिल हो जाएगा और CV क्या होता है एवरीबॉडी, F by 2 NR ही होता है, सॉरी एफ बाई टू आर होता है, यहाँ कुछ और चीजें भी कैंसिल होंगी, राइट, और इसको हम पी टू डैश ही लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहां से आर भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ आर भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये और आसान हो गया हमारे लिए। तो हम क्या लिख सकते हैं ऐसे केसेस में, एफ बाई टू पी टू डैश माइनस टी वन, अब ये देखो माइनस पी टू डैश T2 dash upon P2 dash minus T1 by P1, इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो क्योंकि P2 dash कैंसिल हो जाएगा, बट इतना काफी है। देखो इसको ऐसा मत समझो कि कोई ये सेपरेट फॉर्मूला है, ठीक है एवरीबॉडी, डोंट रीड इट एज ए सेपरेट फॉर्मूला, यार नहीं भी रखोगे तो चलेगा, बेसिकली यू शुड बी एबल टू डिराइव दिस, दैट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, राइट। ये तो मैंने बताया ना एक कहानी की तरह कि कैसे हम कंक्लूड कर रहे हैं और किस बेसिस पे हम ये रिजल्ट बता रहे हैं आप लोगों को, राइट। क्वेश्चंस में कैसे करेंगे, विल सी, क्वेश्चंस तो अपन करने वाले हैं ना, विल टेक अप क्वेश्चंस, डोंट वरी। आई होप यू आर क्लियर विद द कांसेप्ट एज ऑफ नाउ, कंसेप्ट तो क्लियर हो गया ना, कंसेप्ट यही है कि भाई इरिवर्सिबल में फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे, कौन सा फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे, P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू V2 V2 वाली, क्योंकि इरिवर्सिबल में फाइनल स्टेट सेम नहीं हो सकता, एक कॉन्ट्रडिक्शन जनरेट होता है, ठीक है। तो अपन इसको ऐसा बोलते हैं कि फाइनल स्टेट एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक की और इरिवर्सिबल एडियाबैटिक की सेम नहीं हो सकती, यदि हम सेम करने की कोशिश भी करेंगे तो प्रोसेस एडियाबैटिक नहीं हो सकता, राइट, ओके। तो कुछ थियोरिटिकल क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, चलेगा। तो एक थियोरेटिकल क्वेश्चन बहुत अच्छा जेई ने ही पूछ रखा है, यू कैन मूव टू योर बुकलेट पेज 7.63, बुकलेट में जेई का प्रीवियस ईयर पेपर है, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेक अप क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, जेई पिछले साल के जो पेपर्स होते हैं ना, जेई एडवांस वाले जो सेक्शन में आता है ना, आर्काइव्स लीस्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चंस, उसको ट्राई करो 11 एंड 12। लास्ट स्लाइड, रुक जाओ श्रेयस, रिटर्न विवेक, ओके okay।
अच्छा इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए बी सी होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताओ? आंसर 11 का तो ए बी सी है, ये सबको समझ में आ रहा है? एवरीडी ये समझ में आ रहा है? देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, आइडल गैस इन अ थर्मली इंसुलेटेड वेसल एट एन एक्सटर्नल एट एन इंटरनल प्रेशर पी वन वॉल्यूम वी वन एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी वन एक्सपैंड्स इररिवर्सिबली अगेंस्ट जीरो एक्सटर्नल प्रेशर। अच्छा जरा समझने की कोशिश करो, एक्सपैंड कर रहा है इररिवर्सिबली, एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है, तो वर्क डन क्या होगा? एवरीबॉडी वर्क डन क्या होगा? वर्क डन जीरो होगा, ठीक है। हीट एक्सचेंज क्या है? हीट एक्सचेंज क्या है एवरीबॉडी? हीट एक्सचेंज जीरो है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? जीरो, तो आइसोथर्मल हुआ। एवरीबॉडी आइसोथर्मल हुआ ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है। स्ट्रेस अभी ये बात क्लियर है, अभी चमक रही है बात। तो क्या अपन पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू नहीं लिख सकते हैं? ये तो इरिवर्सिबल एडी आइसोथर्मल में लगता है ना, ये हमने अभी ही पढ़ा है। एडियाबैटिक में हीट एक्सचेंज जीरो होता है भावेश, तो इसलिए क्यू जीरो बता रहे हैं। एडियाबैटिक लिखा है ना क्वेश्चन में, ठीक है। सी क्यू नहीं होगा, सी तो होगा ऑब्वियसली होगा, तो ये तो होगा ना, ट्वेल्थ की बात कर रहे हो क्या? ट्वेल्थ पे तो भी आए नहीं, तो ये पी वन वी वन पी टू वी टू क्यों नहीं होगा? तो अब देखो क्या आ गया, क्यू वन क्यू इज इक्वल टू जीरो, अब पी वन वी वन पी टू वी टू, तो टी टू इज इक्वल टू टी वन, और ये तीनों सही है। इसमें किसी को डाउट है? पी टू वी टू की पावर गामा, पी वन वी वन की पावर गामा तो नहीं लिख सकते, रीजन आप सबको बताइए। ठीक है, तो ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा था जेई ने, थ्योरी बेस्ड। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? टी वन इज इक्वल टू टी टू कैसे आया यार? आइसोथर्मल में टेम्परेचर सेम ही होता है ना। डन, हाँ दोनों ऑब्वियसली। एक साथ दोनों हो सकते हैं, थ्योरेटिकली पॉसिबल है, कुछ भी नहीं हो रहा। अरे जब हीट एक्सचेंज ही नहीं हो रहा, काम भी नहीं हो रहा, तो हो ही सकता है ना, हीट एक्सचेंज किया ना टेम्परेचर चेंज हो, क्यों नहीं हो सकता? हीट एक्सचेंज किया ही नहीं, टेम्परेचर भी चेंज हुआ ही नहीं, काम भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मतलब और क्या कुछ हो ही सकता है। ट्वेल्थ का आंसर बताइए, ट्वेल्थ का आंसर सबका आया? दो, ये है प्रेशर और ये है वॉल्यूम। हमने एक पॉइंट से स्टार्ट किया है, P1, V1, T1, ठीक है, फिर हम पहुंच जाते हैं कहां पे, P2, V2,
टी टू पे, ठीक है, इसमें हम जा रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू। फिर हम यहाँ पे जाते हैं, सॉरी हाँ यहाँ भी पी टू वी टू टी थ्री पे जाते हैं। यहाँ हम जा रहे हैं पी थ्री वी टू टी थ्री, जस्ट एंड दिस इज एडियाबेटिक, राइट। तो अब बताइए क्या हो रहा है, क्या टी वन इज इक्वल टू टी टू बता सकते हैं ऑलरेडी? एवरीडी टी वन इज इक्वल टू टी टू बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, आइसोथर्मल है तो टी वन इज इक्वल टू टी टू तो होगा ही। अच्छा क्या टी थ्री ग्रेटर देन टी वन होगा? एवरीडी टी थ्री ग्रेटर देन टी वन होगा? नहीं ना, ऑब्वियसली ये नीचे लाई कर रहा है तो ये तो गलत ही है ना। अच्छा वर्क डन आइसोथर्मल में ज्यादा है या नहीं? एवरीडी वर्क डन आइसोथर्मल में ज्यादा है बट मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ये बात समझने की कोशिश करना। मॉड ज्यादा है, मैग्नीट्यूड दोनों केस में एक्सपेंशन हो रहा है। मॉड आइसो हम लोग भी ऐसे ही लिखते थे, ये लिखते थे राइट हम, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसका ज्यादा होगा बताओ? तो ये सही नहीं है, ए सही है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसका ज्यादा होगा? आइसोथर्मल का चेंज इन इंटरनल एनर्जी आइसो का जीरो है और एडिया का नेगेटिव है, नेगेटिव, क्योंकि तुम्हें पता ही है dW इज इक्वल टू dU होता है और एक्सपेंशन में एक्सपैंड कर रहा है तो वर्क डन नेगेटिव है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी नेगेटिव होगा, तो ए और डी आंसर बना। डी नहीं समझे, ठीक है पहले लिख लो। टी थ्री विल बी लेस देन टी थ्री और टी वन में टी थ्री विल बी लेस देन टी वन, टी थ्री विल बी लेस देन टी वन। कौन से इक्वल होने चाहिए भावेश, तुम्हें किसमें डाउट है? टी थ्री और टी वन कैसे सेम हो सकता है? एडियाबैटिक है ना एवरीडी, एडियाबैटिक है तो सेम कैसे होगा? आइसोथर्मल में सेम होता है ना, इज दैट क्लियर? ओके और किसको? सिद्धेश तुम्हें डाउट है क्या? डी में सिद्धेश, डी में क्या डाउट है? देखो आइसोथर्मल में एक्सपेंशन हो रहा है ये तो क्लियर है ना, तो सॉरी आइडियाबैटिक में एक्सपेंशन हो रहा है ये तो क्लियर है ना। सी नहीं समझा, अरे सी की तो बात हो चुकी थी ना भाई, सी में तो मॉड होता है ना मैग्नीट्यूड, यहां पर मॉड नहीं लिखा है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। वर्क डन दोनों केस में नेगेटिव है, माइनस थ्री और एक है माइनस टू, तो ये माइनस थ्री और माइनस टू को डायरेक्टली ऐसे कंपेयर कर सकते हो क्या? आइसोथर्मल में सपोज माइनस थ्री हो रहा है तो एडियाबेटिक में माइनस टू होगा, समथिंग लाइक दैट, तो वो तो क्लियर होना चाहिए। और लास्ट वाले पार्ट में मैं बता रहा हूं तुम्हें, लास्ट वाले पार्ट में क्या है, लास्ट वाले पार्ट में ये बताया जा रहा है कि भैया एक्सपेंशन हो रहा है तो एक्सपेंशन में तो वर्क डन नेगेटिव होता है राइट,
इज दैट क्लियर? एक्सपेंशन में तो वर्क डन नेगेटिव होता है ना, तो एक्सपेंशन में जब सिद्धेश वर्क डन नेगेटिव होता है तो इसका मतलब क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी में नेगेटिव है, यानी गैस ठंडा हो रहा है। तो अब जीरो पूछा जाए और माइनस टू पूछा जाए तो बड़ा तो जीरो ही हुआ ना। अभी भी क्लियर नहीं है? जीरो और माइनस टू में बड़ा तो जीरो ही होगा। तो अभी क्लियर है या नहीं है ये बताओ सिद्धेश, इज इट क्लियर नाउ? से यस और नो? नहीं है क्लियर अभी भी? क्या डाउट है फिर अनम्यूट करके बोलो फिर। स्पीक अप। बोलो सिद्धेश क्या डाउट है? अरे भैया उसका नेगेटिव है तो और जीरो है तो नेगेटिव वाला ही कम होगा ना। तुम इस बात से कन्विंस नहीं हो कि नेगेटिव होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी? वर्क डन नेगेटिव है, डी यू इज इक्वल टू डी यू, डी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू होता है, तो डी यू डी डब्ल्यू नेगेटिव है तो डी यू भी नेगेटिव होगा। इतना ही तो है। आगे बढ़ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन और करने वाले हैं अपन इसी चीज के ऊपर। डू यू हैव एनवस्टी विथ यू? बिकॉज बुक में कुछ टाइप के हैं क्वेश्चंस कम। Those who have this book can take up level 1 question 44. जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन है विथ व्हाट मिनिमम प्रेशर, क्वेश्चन है जस्ट अ मिनट, विथ व्हाट मिनिमम प्रेशर इन किलो पास्कल अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस सीपी इज इक्वल टू 7/2 आर ओरिजिनली एट 400 केल्विन एंड 100 किलो पास्कल प्रेशर कैन बी कंप्रेस्ड इररिवर्सिबली एडियाबैटिकली इन ऑर्डर टू raise its temperature to 600 Kelvin. Written question.
वो सोचो। एवरी क्वेश्चन लिख लिया सबने? एवरी क्वेश्चन रिटर्न? ठीक है, अब जरा समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या डेटा गिवन है। ये तो सबको समझ में आ रहा होगा कि दिस प्रोसेस इज एक्चुअली एडियाबैटिक इररिवर्सिबल, राइट? दिस इज एन एडियाबैटिक इररिवर्सिबल प्रोसेस। आई होप इट इज क्लियर बिकॉज इट इज ऑल्सो रिटन इन द क्वेश्चन। ये एक एडियाबैटिक इररिवर्सिबल प्रोसेस है। अब तुम्हें पूछा क्या हुआ है, सीपी दे रखा है तुम्हें 7/2R, तो सीवी क्या होगा एवरीडी? सीवी 5/2R होगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? सीबी विल बी 5/2R बिकॉज सीपी दिया है आपको, सीबी निकालना है, तो सीपी 7/2R है, तो सीबी ऑब्वियसली 5/2R ही होगा। अब क्या दे रखा है, टी वन आपको दे रखा है, टी वन क्या दे रखा है 400 केल्विन, पी वन आपको दे रखा है 100 किलो पास्कल, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है क्या, आपको टी टू भी दे रखा है, वेरी गुड, टी टू भी दे रखा है, और आपको पूछ रहा है पी टू इक्वल टू पी एक्सटर्नल, ये क्या है? कुछ समझ में आ रहा है? टी वन टी टू दे रखा है, पी टू और ये पी टू इक्वल टू पी एक्सटर्नल पूछ रहा है, तो तुम्हें नहीं लगता हमने कुछ फॉर्मूले पढ़ रखे हैं इसके इसके लिए? जरा देखो तो, हमने कुछ फॉर्मूले पढ़ रखे हैं क्या कुछ इसके लिए? देखो ना, ये नहीं पढ़ रखा है, टी टू टी वन दिया है और पी टू और पी टू डैश पूछ रहा है, तो कर सकते हैं ना अब तो हम, ये बहुत मुश्किल तो नहीं है ये? सॉल्व कीजिए और बताइए आंसर क्या आ रहा है। आ गया सबका आंसर? एवरीडी आंसर आया? आ जाना चाहिए अब तो यार, कितने लोगों का नहीं आया? टाइम ले सकते हो बट आंसर तो आना चाहिए अब मेरे ख्याल से, क्योंकि अब तो काफी हिंट दे दिया, फॉर्मूला बता दिया, सब वैल्यूज लिख दिया, अब निकाल लो। फॉर्मूला याद नहीं रखना है, तुम निकाल सकते हो डेराइव करके, एन सी वी टी टू डैश माइनस टी वन इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल वी टू डैश माइनस वी वन, बिल्कुल निकाल लो डेराइव करके। एन पता दिया नहीं है तुम्हारा, सी वी 5/2R है, टी टू डैश तुम्हारा और टी टू डैश माइनस टी वन तुम्हारा 200 केल्विन है, ठीक है, माइनस पी एक्सटर्नल तुम्हें पता है, ये आएगा एन आर टी टू डैश अपॉन पी टू डैश माइनस एन आर टी वन बाई पी वन। फॉर्मूला कहाँ याद करने की जरूरत है, एन और आर कैंसिल हो जाएगा, तो 5/2 × 200 जो कि इधर 100 आएगा, माइनस पी एक्सटर्नल फिर से टी टू डैश लिख दो 600/P2′ − 400/P1, कितना 100 दिया है, तो इतना तो करना था यार, ये तो बहुत बड़ी काम तो है नहीं, ये कैंसिल ही हो जाएगा, इनफैक्ट ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक वीक वेरिएबल हो जाएगा। एग्जाम में कैसे अपने को डिराइव करने में कितना टाइम लगा श्रेयस? हाउ लॉन्ग डिड वी टेक टू कम एट दिस कंक्लूजन? ये जो मैंने किया उसको कितना टाइम लगा इसमें? तो उतना तो लग ही सकता है ना। डन,
ये फॉर्मूला भी तुमको याद करने की जरूरत नहीं है, तो तुम जानते हो ना कि डी इक्वल टू डी डब्ल्यू होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद रखो सर, अच्छा है यदि तुम याद कर ले तो इट इज बेटर, प्रैक्टिस करोगे ज्यादातर क्वेश्चंस तो खुद ब खुद याद जाता है, फॉर्मूला का तो यही सीन है। जैसे मैथ्स में क्या होता है, एक फॉर्मूला 10 बार लिखते हो ना तो याद हो जाता है तुम्हें अपने आप, वैसे यहां भी है। एक जब चीज को 10 बार यूज कर लोगे तो हाँ फॉर्मूला तो ऑब्वियसली है इसमें ना, बोला तो है चैप्टर में फॉर्मूला है। फॉर्मूला का बनाते जाना एक एक शीट करके आपके जाएगा। डन ओके। तो एडियाबैटिक इरिवर्सिबल में हमने कुछ क्वेश्चंस किए, और करोगे क्या आगे के दो भी करोगे, 45 ट्राई करोगे, बुक है क्या किसी के पास, या 45 मुझे लिखना पड़ जाएगा यही दिक्कत है। जो यहां पर एडियाबैटिक कंप्रेशन लिख रखा है, एडियाबैटिक कंप्रेशन है इरिवर्सिबल लिखा, कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब क्या हुआ सॉल्व करके देख लो फाइनल आंसर जो भी है, ठीक है भावेश। एडियाबैटिक कंप्रेशन है कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो प्रोसेस कैसा हुआ बताओ, एवरीडी एडियाबैटिक कंप्रेशन है अगेंस्ट कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो कैसा प्रोसेस हुआ। अरे भैया एडियाबैटिक कंप्रेशन को तुम आइसोथर्मल कैसे बता रहे हो यार, एडियाबैटिक कंप्रेशन अगेंस्ट कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो तो इरिवर्सिबल हुआ ना, कोई दिक्कत है इसमें। अरे कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पी एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट इरिवर्सिबल में होता था भैया, ये आपको नहीं चमक रहा है आप लोगों को। तो अब आपको वही चीज दे रखी है ना, फिर से ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है तो फिर से फॉर्मूला लगाना है। इस बार आपको मोल्स दे रखे हैं 2, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर आपको दे रखा है 2, P1 दे रखा है, ये P2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, P1 आपको 1 atm दे रखा है, T1 आपको 300 केल्विन दे रखा है, R आपको 2 कैलोरी लेने बोला है, 2 कैलोरी के हिसाब से लेने बोला है। क्लियर, अब तो निकल ही जाएगा ना वर्क डन। अब वर्क डन क्या होगा देखो, इसमें कैसे निकालोगे, फाइनल टेम्परेचर T2 निकालोगे फिर वर्क डन निकल जाएगा, फाइनल टेम्परेचर T2 आ जाएगा तो NCV डेल्टा T होता है वर्क डन, या फिर NRT2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1 होता है। मोनो एटॉमिक गैस है तो गामा कितना होगा बताओ, एवरीडी मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के लिए गामा क्या होगा, 5/3। T2 कैसे निकालेंगे, वो फॉर्मूला है और क्या, जो अभी किया वैसे ही निकालेंगे, NCV T2 - T1 - P external V2 - V1। तो ये आ जाएगा NCV तुम्हारा है कितना 3/2 R, और ये P external आएगा NR T2 - P2 माइनस NR T1 / P1, NR कैंसिल। श्रेष्ठ पता नहीं तुम्हारी परेशानी क्या है, देखो यहां पर सारी चीजें दे रखी हैं तुम्हें, T2 कैसे नहीं निकलेगा यार, T2 - T1 दे रखा है तुम्हें, T1 300 दिया है, एक वेरिएबल नहीं निकाल पाओगे, P एक्सटर्नल भी दे रखा है 2, T1 दे रखा है तुम्हें 300, P1 दे रखा है 1, अब तुमसे एक वेरिएबल का इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा क्या, ये बहुत मुश्किल है। याद नहीं रखनी है इसको, 2-3 चीजें तो ये हैं जो तुम्हें ध्यान में रखना है।
एवरीडे टी टू कितना आया? एवरीडे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी टू डैश? कोई नहीं बताएगा? अरे थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो क्लिक होने लगेगा, इतना परेशान मत हो। ठीक है, एक ही तो फॉर्मूला है एडियाबेटिक रिवर्सल में। अब इसको सॉल्व कर ही सकते हैं ना अपन। अब बताओ कितना आ रहा है? T2-420 आ रहा है, तो वर्क डन क्या आएगा? NCV T2 माइनस T1। N अपने को पता ही है, क्वेश्चन में दे रखा है, N2 है, तो T2-T1 लिखेंगे। ठीक है, एवरीडे क्लियर? अच्छा ठीक है, लेट अस सी एंड टेक अ होल ऑफ व्हाट वी हैव लर्नड इन एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। ये लिख लिया सबने? रिटर्न ऑन ओके फाइन। तो देखो एडियाबैटिक सबने लिख लिया ना, ये एवरीबडी T2 300। अरे T1 300 भैया, क्वेश्चन में T1 300 दिया है। क्वेश्चन जो है ना वो ये है, आपको वर्क डन निकालना है, वर्क डन क्या होगा और ये सारा डेटा दिया हुआ है। ठीक है ठीक है, तो अब देखो एडियाबैटिक की बात करें तो एडियाबैटिक इरिवर्सिबल के अंदर अपन क्या क्या सीख चुके हैं अभी तक, लेट अस ट्राई टू समराइज दिस। देखो एडियाबैटिक इरिवर्सिबल में कुछ लोग बोल रहे हैं बहुत ज्यादा फॉर्मूला आ गया है, बहुत ज्यादा बारिश हो गई, तबाह हो गए, परेशान हो गए लोग, ऐसा है क्या? देखो एक्चुअली में ज्यादा चीजें नहीं है, एडियाबैटिक इरिवर्सिबल की अपन बात करें तो यही है ना कि फाइनल पॉइंट्स अलग होते हैं, पी वन वी वन की पावर गामा नहीं लिख सकते, फाइनल पॉइंट इज डिफरेंट, राइट, फाइनल स्टेट इज डिफरेंट। पहली चीज तो ये, हमने एक बार रिविजन ही करा रहा हूं मैं, राइट डाउन सिद्धेश। फोर्टी फोर्थ पे आ गए। और कुछ अब नीचे आ जाए? और नीचे मोर क्वेश्चंस, तुम उसके बाद वाले क्वेश्चन भी कर सकते हो 46 के, वो भी एडियाबैटिक रिवर्सिबल पे ही है। हर केस में पी एक्सटर्नल पी टू ही होता है, ये तो मैंने बताया था शुरू में जब हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल कंपेयर कर रहे थे, ग्राफ बना रहे थे, याद है?
मैंने बताया था कि पी एक्सटर्नल हमेशा पी टू होता है। तो अब देखो, अब हमारे पास एक रिलेशन क्या है, हमारे पास रिलेशन है p1 v1 की पावर गामा इज इक्वल टू p2 p2 की पावर गामा, जो कि इररिवर्सिबल में वैलिड नहीं होता है क्योंकि फाइनल स्टेट अलग है। इसके अलावा क्या पढ़ा है मैंने, इसके अलावा यही पढ़ा है ना कि ncv t2- t1 इज इक्वल टू -p external v2- v1। अच्छा, इससे ज्यादा क्या फार्मूला पढ़ा है बताओ तो एक बार, एडियाबेटिक इररिवर्सिबल इससे ज्यादा क्या पढ़ लिया है जरा बताना, इससे ज्यादा क्या पढ़ा है। अरे इसमें PV = nRT पढ़ा है हमने एडियाबेटिक प्रोसेस में। यही दो रिलेशन तो पढ़े हैं भाई, और कुछ पढ़ा ही नहीं हमने एडियाबेटिक रिवर्सिबल में, और कुछ कहां पढ़ा है, यही दो चीजें पढ़ी हैं बस, इससे इसके अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं हमने। और इतने में तुम लोग तबाह हो गए, बहुत ज्यादा फॉर्मूला की बरसात हो गई हमारे ऊपर। दो ही तो है भाई, और वो भी कोई नए वाले फॉर्मूले तो है नहीं। तुम्हें पता ही वर्क डन का -p external v2 - v1 होता है, तुम्हें ये भी पता होगा कि ncv t2 - t1 होता है। अब आगे बढ़े। हाँ, तीन चार फॉर्मूले तो रोज आएंगे, तीन चार क्या, सब चार पांच क्या, छह सात आ सकते हैं। छह सात फॉर्मूले एक बार शीट में लिख के रिवाइज करो दिन भर, दिन में तुम्हारे दो ही लेक्चर तो होते हैं, कौन सी बहुत बड़ी चीज है। चार पांच फॉर्मूले एक दिन के लिए बहुत ज्यादा थोड़ी है, क्या ज्यादा है। ओके हाँ, सारे सब्जेक्ट किए तो तुम्हारे दिन में दो ही लेक्चर होते हैं ना, तो मान के चलो हर तीन चार हर सब्जेक्ट से आ रहे, तो 10 फॉर्मूले पकड़ लो और क्या। स्क्रोल अप, रिटन आयुष, एवरीडी, रिवर्सिबल में पी एक्सटर्नल कांस्टेंट क्यों नहीं होता। रिवर्सिबल प्रोसेस तो हमने पढ़े थे ना सलून, याद आ रहा है तुम्हें, हम सैंड के पार्टिकल्स एक एक करके हटा रहे थे, तो वेरी कर रहा था बीच बीच में, तो वही रीजन है। ओके, तो अभी तक कोई डाउट नहीं है ना, अब आगे बढ़ जाएं, मजा आ रहा है ना सबको या नहीं आ रहा, मजा आना चाहिए क्यों। ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस and comparison of final temperature. चलो अब ये कहानी नहीं चालू करते हैं। देखो अभी एडियाबैटिक का काम जो है हमने मतलब क्या किया था, मैथमेटिकली भी कर लिया है, थ्योरेटिकली भी कर लिया है, अभी ग्राफिकली करना है, फाइनल टेम्परेचर भी कंपेयर करेंगे हम, ठीक है। बहुत कंपैरिजन करने वाले हैं एडियाबैटिक रिवर्सिबल और एडियाबैटिक इररिवर्सिबल के अंदर, ठीक है। और ये कोई थ्योरी नहीं है, दिस इज अगेन अ कॉन्सेप्ट विच यू कैन डिराइव ऑन योर ओन ऑल्सो, ठीक है, तुम खुद से भी एनालाइज कर सकते हो इसको, बट एज अ टॉपिक इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ व्हाट वी हैव लर्न, देयर इज नथिंग न्यू कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट था वो यही था पहले कि इररिवर्सिबल एडियाबैटिक के केस में और रिवर्सिबल एडियाबैटिक के केस में फाइनल स्टेट सेम नहीं हो सकता, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं इसके अंदर, ठीक है। फाइन एवरीबॉडी,
दिस इज एन एप्लीकेशन, लाइक हम हर बार क्या करते हैं, कोई थ्योरी पढ़ते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स का ग्राफ तो बनाते ही है ना, समझ में आ रहा है बात? कोई भी पढ़ते हैं तो ग्राफ बनाते ही हैं, तो यहाँ भी बनाएंगे, यहाँ देखते हैं क्या नया आता है अपने पास। ठीक है, तो अब जरा समझे हैं, समझते हैं, कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं एक्सपेंशन। एक्सपेंशन समझ रहे हो ना, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन देखो दोनों के केस में, रिवर्सिबल की बात कर लो या इरिवर्सिबल की बात कर लो, एक्सपेंशन होने वाला है। तो डी यू तो जीरो होता है, तो डी क्यू डी डब्ल्यू के केस में है ना, और दोनों के केस में नेगेटिव है। तो एक्सपेंशन में क्या होने वाला है, ऑलरेडी एक्सपेंशन में होने वाला है कूलिंग ऑफ गैस। इस बात से सब लोग कन्विंस्ड हैं, एक्सपेंशन में गैस ठंडा होगा, हीट तुम उसको दे नहीं रहे हो, तो गैस अपने इंटरनल एनर्जी के कॉस्ट पे ही तो काम करेगा। इज दैट क्लियर? तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों में कूलिंग होगा, राइट? तो हमने क्या किया है, इनिशियल पॉइंट सेम रखा है टी आई। तो एक्सपेंशन के केस में क्या होने वाला है एवरीबॉडी, एक्सपेंशन के केस में, एडियाबैटिक एक्सपेंशन के केस में टेम्परेचर कम होने वाला है, दैट इज कूलिंग होने वाला है। इस बात से सब लोग कन्विंस्ड हैं? क्लियर है ना, कूलिंग होने वाला है यानी कि टेम्परेचर कम होने वाला है। ठीक है, ठंडा होगा तो टेम्परेचर कम होने वाला है, चलो ठीक है। तो अब बताओ ज्यादा कूलिंग कहाँ होगा, ये कोई अलग कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ज्यादा कूलिंग कहाँ होगा। तुम्हें यह भी पता है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की हम बात करते हैं यदि, ठीक है एवरीबॉडी, तो हम लोग जानते हैं कि मॉड एक्सपेंशन के केस में रिवर्सिबल का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल। ठीक है, यहां पर यह ज्यादा होता है, तो मॉड डी यू रिवर्सिबल विल बी ग्रेटर देन डी यू इरिवर्सिबल। यानी ज्यादा कूलिंग रिवर्सिबल के केस में होगा और कम कूलिंग इरिवर्सिबल के केस में होगा। ये बात चमक रही है? काम ज्यादा होता है ना भाई, तुमने जैसे मान लो तुम लोग दो लोग हैं, दोनों को पैसे घर से मिले नहीं, बट कोई बंदा ज्यादा पैसा का सामान ले आता है, एक 200 का सामान लेके आता है, एक 300 का सामान खरीद के लाता है, तो जो 300 का लेके आया उसने ज्यादा पैसे खर्च कर दिए ना, उसका जेब ज्यादा ठंडा होगा। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी आर यू कन्विंस्ड ऑन दिस? ये समझ में आ रहा? वैसे तो ये बहुत इजी चीज है, तुम्हें बतानी चाहिए आराम से। दोनों केस में एक्सपेंशन हो रहा है, दोनों केस में कूलिंग हो रहा है, तो ज्यादा कूलिंग किसके अंदर होगा, जहां ज्यादा वर्क डन है। इज दैट क्लियर? तो अब यदि हम बताते हैं टी फाइनल, ठीक है, तो टी फाइनल और टी फाइनल डैश, तो टी फाइनल डैश ऊपर होगा ना टी फाइनल के। टी फाइनल ये किसका है, फाइनल टेम्परेचर रिवर्सिबल का है और ये फाइनल टेम्परेचर इरिवर्सिबल का है। कोई दिक्कत है? एवरीडे फाइनल टेम्परेचर जो है वो इरिवर्सिबल का ज्यादा होगा एक्सपेंशन के अंदर। अरे ये तो बेसिक है, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो, मेरे हिसाब से बड़ी आसानी से चमक जाना चाहिए तुम्हें। नहीं चमक रही है तो पूछ लो। यानी कि टी फाइनल डैश विल बी ग्रेटर देन टी फाइनल, फाइनल टेम्परेचर इरिवर्सिबल के केस में एक्सपेंशन में ज्यादा हो। राइट इट डाउन देन। Done everyone.
ओके अब कंप्रेशन के केस में कर सकते हो कंपेयर एरोडी कंप्रेशन में कंपेयर कर सकते हो। देखो कंप्रेशन में भी चीजें बहुत मुश्किल नहीं है। कंप्रेशन में भी क्या होगा dw इज इक्वल टू du इज इक्वल टू dw जो कि पॉजिटिव है यानी हीटिंग ऑफ गैस। ये तो चमक रहा है ना गैस गर्म होगा दोनों केसेस में, दोनों में गर्म होगा मतलब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों में गर्म होगा राइट राइट ऑन कल्पेश। पॉजिटिव कैसे? अच्छा एक बात बताओ आदित्य इज आस्किंग पॉजिटिव कैसे, आप लोग ये समझ पा रहे हो कि dw कंप्रेशन में वर्क डन पॉजिटिव कैसे होगा? अरे भी कंप्रेशन में पॉजिटिव होगा क्योंकि वॉल्यूम नेगेटिव होता है वर्क डन माइनस पी एक्सटर्नल होता है ना, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा तो हीट होगा ना गैस, ये तो ईजी है। तो अब गैस हीट होगा क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव है। तो इस बार जानते हैं कि du is equal to dw होता है जो कि हर बार होगा, तो dw reversible कम होता है dw irreversible ज्यादा होता है इन केस ऑफ कंप्रेशन। याद है हम लोग ग्राफ कंपेयर किए थे, वर्क डन ऑन द सिस्टम है इसलिए पॉजिटिव। ये तो क्लियर है ना एवरीडी? तो अब ये देखो dw इरिवर्सिबल ये इस तरह से होगा। अब जरा समझते हैं क्या, अब dw इरिवर्सिबल जो है मतलब वो ज्यादा है यानी du रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन du इरिवर्सिबल, यानी ज्यादा हीटिंग किधर होगा यानी खुद सोचो ना, ncv t2 minus t1 इज लेस देन ncv t2 dash minus t1 तो obviously NCV cancel और T2 will be less than T2 dash यानी ज्यादा heating irreversible वाले का हो जाएगा। क्लियर है? ज्यादा हीटिंग इरिवर्सिबल का होगा, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? किसी को डाउट है तो पूछ लो, इसमें कोई चमकने वाली समस्या नहीं होनी चाहिए, तो सिंपल एप्लीकेशन है। अब ये मत बोलना कि ये भी फॉर्मूला है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो आपका मतलब एक तरह से क्वेश्चन समझो तुम, कि तुमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दिस इज नॉट अ फॉर्मूला, दिस इज एन एप्लीकेशन, ठीक है? इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। वर्क डन कैसे आया चिद्देश, याद है हमने एक चीज पढ़ा था, ग्राफिकल कंपैरिजन किया था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के केस में। तो वर्क डन इरिवर्सिबल में ज्यादा था या रिवर्सिबल में? कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, एक्सपेंशन में रिवर्सिबल में ज्यादा था, कंप्रेशन में इरिवर्सिबल में ज्यादा था। ग्राफिकली हमने ग्राफ वगैरह भी बनाया था, याद आ रहा है? तो वापस आ जाते हैं इस वाले पॉइंट पे। तो अब जरा देखो एक्सपेंशन में क्या होगा, कूलिंग होगा, और कंप्रेशन में क्या होगा एवरीबॉडी, कंप्रेशन में क्या होगा एवरीबॉडी, कंप्रेशन में क्या होगा, कंप्रेशन में होगा हीटिंग। इज दैट क्लियर? तो अब हीटिंग किसका ज्यादा हो जाएगा, किसका ज्यादा होगा, इरिवर्सिबल T2 dash, ये reversible और irreversible। ये graph जो है आपने थोड़ा सा बनाया था इस वक्त, इसको आप पूरा कर लीजिए, ये final comparison का graph है।
रिटर्न एवरीवन, ये वाला बना लिया सबने ग्राफ। हाँ दोनों के केस में, इरिवर्सिबल के केस में ही टेम्परेचर ज्यादा है, सबने बना लिया ग्राफ, ये वाला बना लिया। हाँ तो आई थिंक इसमें किसी को तो डाउट नहीं है ना कि फाइनल टेम्परेचर इज ऑलवेज ग्रेटर इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। एवरेड ये सबने लिख लिया है ना, ये वाला लिख लिया सबने। अब देखो ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको भी ऐसे फॉर्मूला ट्रीट मत करो, इसको ऐसे क्वेश्चन समझो, एक एप्लीकेशन है। ग्राफ बनाना कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ग्राफ बनाना एप्लीकेशन होता है। मैथमेटिकल इक्वेशन सब आपको पता है, रिजल्ट सब आपको पता है, अब आपको ग्राफ बनाना है, थ्योरेटिकली कंपेयर करना है, तो ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एप्लीकेशन है। ठीक है, तो अब अपना कंक्लूजन क्या है, अब अपना कंक्लूजन ये है कि T2 dash is always greater than T2, यानी final temperature is always greater in case of irreversible process. Clear? Everybody clear or not? Okay. तो आगे बढ़ जाएं। अब पीवी ग्राफ बनाए या फिर छोड़ दें, आज के लिए बहुत हो गया, क्या बोलते हो? पीवी ग्राफ में कंपेयर कर लें। ठीक है, तो रिवाइज कर लेते हैं आज हमने जो किया है। अरे तुम लोगों को मजा नहीं आ रहा है ग्राफ ग्राफ बनाने में? थर्मोडायनेमिक्स में यही करना है, थ्योरी पढ़ना है, ग्राफ बनाना है, थ्योरी पढ़ना है, ग्राफ बनाना है, इसी तरह का काम करना है। Okay, fine. So let us do one thing. Let us revise. Fine. What have we studied as of now? I'll tell you. देखो अभी हमने क्या पढ़ा क्या? Basically we have started with adiabatic process, right? Adiabatic process से start किया reversible से, और फिर irreversible की बात करें, तो irreversible में भी कर लिया compare, यही ना? Everybody, is that clear? तो रिवर्सिबल में हमने देखा था कि पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है। देखो तुम लोग बोरिंग बोरिंग कर, इंडिया का 3rd विकेट गिर गया, पता है? फाइन, लेट अस नॉट गो टू द अपडेट्स, लेट अस टॉक अबाउट द टॉपिक। तो वी स्टार्टेड विद द reversible adiabatic process, right? We started with reversible adiabatic process. अरे हम थर्मो पढ़ रहे हैं इसलिए तो अच्छा चल रहा था, तुमने मना किया तो आउट हुआ ना वो। खैर, let us come to the topic. PV की power gamma constant है, PV की power gamma constant है, तो हम लोग reversible में बोले ना, reversible में कैसे कर रहे थे हम? NCV T2 मतलब NCV T2 minus T1 upon gamma minus 1 था, इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, P2 V2 minus P1 V1 upon gamma minus 1. Is that clear, everybody? Okay, fine. So, ये तो reversible के केस में कोई पंगा नहीं था। Irreversible के केस में क्या पंगा आ गया, बताओ? Irreversible के केस में पंगा क्या आ गया? Everybody, irreversible के केस में पंगा क्या आया? इरिवर्सिबल के केस में पंगा ये आया कि वहां पे स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन के बराबर हो जाता है, इसलिए फाइनल स्टेट अपन सेम रख ही नहीं सकते, राइट? फाइनल स्टेट सेम रख ही नहीं सकते, तो वो जो अपनी रिलेशन थी ना P2 V2 की पावर गामा इज इक्वल टू P1 V1 की पावर गामा, वो नहीं हो सकती इरिवर्सिबल के केस में, राइट? इज दैट क्लियर और नॉट?
एवरीडे प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स, वो वाली बात ठीक है ना? ओके फाइन. तो अब वो फाइनल इरिवर्सिबल के केस में सेम नहीं हो सकती, तो अपन करते क्या है, हम सीधा एक रिलेशन यूज कर लेते हैं, ncv t2 - t1 is equal to - p external v2 - v1. कोई दिक्कत है? इज दैट क्लियर? फाइन. इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या आती है, नेक्स्ट चीज आती है कि हम ग्राफ बना लें इनका और कंपेयर भी कर लें. तो ग्राफ बनाने के लिए हमने फाइनल टेम्परेचर पहले सबसे पहले कंपेयर किया, राइट? तो फाइनल टेम्परेचर किसके केस में ज्यादा आया बताओ? एवरीबॉडी, फाइनल टेम्परेचर किसके केस में ज्यादा आया? फाइनल टेम्परेचर हर बार इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर ज्यादा आता है. इज दैट क्लियर और नॉट? फाइनल टेम्परेचर हर बार इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के केस में ही ज्यादा आता है. तो अब एक बार होमवर्क देख लेते हैं, होमवर्क क्या करेंगे हम लोग. होमवर्क एक्सरसाइज 3 से दे दूं चलेगा क्या? एक्सरसाइज 2 से कहां तक दिया था? एक्सरसाइज 2 तक, एक्सरसाइज 3 से नहीं दिया क्या? दिया है एक्सरसाइज, अच्छा एक्सरसाइज 2 होमवर्क दिया अभी तक? एवरीडी एक्सरसाइज 2 होमवर्क दिया मैंने अभी तक? ओके हां दिया है. कहां तक दिया था एक्सरसाइज 2 में? 13 तक दिया था. ओके नहीं तो अभी तो ठीक है. ठीक है तो होमवर्क देखते हैं, एक्सरसाइज 2 ही देते हैं होमवर्क अभी. तो क्वेश्चन नंबर 15 to 28, देखो क्वेश्चन 14 नहीं दिया मैंने, ठीक है 15 से लेके 28 तक दिया है, और 28 भी नहीं, 28 में डेल्टा एच की बातें हो रही हैं जो हमने नहीं पढ़ी अभी तक. 27 15 से लेकर के 27 तक, ठीक है? कोई डाउट है? तो अभी क्या करने वाले, मैच देखने वाले तुम लोग? टेस्ट मैच देखोगे यार, या फिर अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो? क्या करने वाले हो तुम लोग? चलो ठीक है, गुड बाय.